आज मैंने भविष्यवाणी कर दी है कि सुबह लेट होगी और मुझसे कहेगी कि तो क्या हुआ, तुम तो ऐसे नहीं कराते, मेरे पास बच्चा है, वो बच्चा संभालना है। और अभी एक ही इंस्टाग्राम पे लगी ना, इसने पैकिंग नहीं की, कुछ नहीं की। आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड दिस स्टेटमेंट प्लीज, शी हैज सेड समथिंग, व्हाट हैज शी सेड? मैं उठूंगा 5:30 बजे, बस आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस आ जाओ चलते जल्दी ट्रेन बेटा। शूज नहीं पहने, शूज पहन के आ जाओ। हमें पहुंचना है एयरपोर्ट 8:30 लास्ट तक, हमारा प्लान है 8:15 तक पहुंचने का। तो हम लोग पहुंचे गए अहमदाबाद, सामने जा रही है रितु, इसकी और मेरी अभी बहुत गंदे वाली लड़ाई हो चुकी है, इसलिए हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी ब्लॉग क्या करेंगे दिन भर पता नहीं, शायद थोड़ा डर ही जाएगा ब्लॉग आज का। तो हम लोग अभी चेक इन कर चुके हैं हयात में, हम लोग यहाँ कर रहे हैं अपना लंच। हमारा प्लान था सी प्लेन लेके स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने का, बट सी प्लेन आज का कैंसिल हो चुका, तो हम लोग कल जाएंगे सी प्लेन में। सी प्लेन मतलब हाईलाइट ऑफ आर ट्रिप। अभी ऐसे हमारा प्लान है कि हम बाय रोड जाएंगे, बाय रोड लगेगा हमें 3.5-4 घंटा। तो मैंने सुना है कि इस लड़की ने खूब मस्ती की भाई एयरप्लेन में पीछे जाके। जिंगल। अच्छा, क्या ऑर्डर दिया खाने का? नहीं है यहाँ पे। कैसा है भाई ऑरेंज जूस? थोड़ा थोड़ा खट्टा है पापा। तुमको आना है व्लॉग में अभी कि नहीं आना है? मेरा तेरे जितना चिड़ोकरा दिल नहीं है। तो गाइस सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए मैं अपनी पर्सनल जो लड़ाई है मैं उसको दरकिनार करते हुए इनको व्लॉग में ले रहा हूँ। तो गाइस आपने सुना होगा कि बोलते हैं कंटेंट इज किंग, कंटेंट इज किंग। व्लॉग के लिए आज मैंने साइड रख के फिर मैंने इनको व्लॉग में ले लिया। मैंने कहा चला आ जा तू व्लॉग में, क्या तैसे लड़ूंगा। हो गई थी अच्छी खासी, आज अच्छी खासी हो गई थी, बट ठीक है। एक सेकेंड, क्या माफ क्या असली मैंने किया? गाइस वी आर बैक ऑन, वेट अ मिनट गाइस। व्लॉग में से इनको मुझे दिखेंगे, वो जो पीछे आपने पार्ट देखा उसको काट दीजिए, व्लॉग में इनकी एंट्री नहीं है। कंटेंट इज नॉट द किंग, कंटेंट की माखी आंख। मैं कोचीन एयरपोर्ट में अपने दिल्ली की टिकट करा के दिल्ली जाने वाला था, ऑलमोस्ट हो गया था, बैंक का पेमेंट भी हो गया था, बैंक का ओटीपी आया, ओटीपी नहीं डाला मैंने। फिर इसका फोन आ गया, मैंने कहा यार अब ठीक है। पहले तो इतना अच्छे तरीके से बताने के लिए, और अब मैं सच बताता हूँ सच क्या है, बिना टिकट आ गई हूँ, ऐसा नहीं है बिना वेब चेकिंग के आ गई हूँ, जब है तो हाँ। शो समझ आया? समझ आया जी? नहीं, जिंदगी बिल्कुल चिक 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 चिक, कौन करेगा यार इतनी। मामा रिलैक्स, मामा रिलैक्स, मामा रिलैक्स, मामा रिलैक्स, हर वक्त चिक है ना। पापा को व्लॉगिंग करने मैं बताता हूँ व्लॉगिंग, ऐसा नहीं है गौरव, मैंने देखा जो चीज तू अच्छी व्लॉगिंग कौन करता है? पापा। और गंदी व्लॉगिंग कौन करता है? मामा। यस रशियो, मैं और रशियो एक हम लोग नया चैनल खोलेंगे, रशियो एंड पापा, उस पे हम लोग फादर डॉटर व्लॉग करेंगे ना। बाय रशियो, मामा को बोलो पापा इज सॉरी। पापा इज सॉरी, इट्स ओके, इट्स ओके, मैंने माफ कर दिया। बोलो मामा को, बोलता थैंक यू। मैंने ना आज तो गलती आपकी नहीं, वैसे मैं कह देता हूँ हाँ मेरी गलती है, मैं थोड़ा मान गया मेरी गलती थी आज। ठीक है, ओके। सुना नहीं तो ना ध्यान से कि वो क्या पूछ, पता नहीं मुझे खुद भी नहीं याद मैं क्यों पगला गया था सुबह सुबह। मेरा तेरा चैनल कैंसिल और मेरा मम्मी का ही रहेगा। यू डू योर ओन थिंग यार, मैं अपने ओरिजिनल पार्टनर को नहीं छोड़ सकता ना शिव, है ना भाई तेरे लिए। लालो क्यों लालो?
So we have reached this city of Statue of Unity. तो यहाँ पे हमने गाड़ी चेंज की, हमने वो गाड़ी छोड़ के ये गाड़ी ली क्योंकि इस गाड़ी का परमिट है पूरी सिटी में। तो जो ट्रिप हमारी कुछ मिनट की होने वाली थी वो हमको करने में 3-3.5 घंटे लग गए। तो हम लोग का जो स्टे आज रात का वो बहुत ही खूबसूरत टेंट लगा है, जैसे कच्छ में आता कच्छ में टेंट सिटी में रहते हैं वैसे ही खूबसूरत टेंट है यहाँ पे। देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास इन्होंने 3-4 अट्रैक्शन बनाए हुए ताकि अगर आप घूमने आए तो पूरा एक्सपीरियंस लेके जाओ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे सफारी में। तो दिस इज नीला मैम, हमें एक्सप्लेन करती रहेंगी। हाँ जी मैम। अमेरिका से सो रहा है मम्मी। तो वो है लायन और ये है लायनेस। आई थिंक इनके भी बन नहीं रही आज है। अच्छा तो मैम एक स्पेशल चीज बता रही है कि किसी भी जू में टाइगर और टाइगरस की नहीं बनती। हाँ। भी टाइगरस अभी अंदर है, टाइगर का है मैम बाहर है टाइगर नहीं वो अंदर रखा है हमने बाहर रखेंगे जगड़ते हैं इंडियन बाइसन सेक्शन। डियर 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 एंड शू हम कहाँ जाएंगे शर्माता क्यों भाई। देखो देखो रशु बारह सिंगा ये है रशु व्हाइट ब्लैक बक। ये रहा ब्लैक बक रशु, ये ब्लैक बक है। तो ये है रशु डोंकी। मैम इनके काम ऐसे थे कि इनका नाम डोंकी पड़ा कि पहले नाम डोंकी पड़ा फिर उन्होंने काम ऐसे किए। क्या हुआ पहले क्या हुआ था मैम? अच्छा ये स्पॉटेड डिनर है मैम कह रही है जो रामायण में सीता माता वाला हिरन था ना जो, अच्छा वो जो बन के आया था किसका रावण का भाई क्या नाम था मैम? मारीच। हम लोग ने कंप्लीट कर लिया हर्बीवोर सेक्शन, अभी हम लोग जा रहे हैं एग्जॉटिक एनिमल सेक्शन जैसे सब्जियों में एग्जॉटिक ब्रोकली एवोकाडो। लेकिन ये छोटे हैं। अरे मुझे लगा ये बच्चे हैं गाइस, लेकिन ये बच्चे नहीं है ये मम्मी पापा है। ये बच्चों ने मम्मी पापा बन गया ऐसा लग रहा है। बच्चन के पीछे आपको दिखेगा नहीं क्योंकि छोटा है। बाय बाय जिराफ जिराफ। ओ कितना बड़ा ऑस्ट्रिच है यार। ये जिराफ और ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच। हाँ देखा आपने? हाँ। कैसा लगा? अच्छा कैसे भागा रशु? ये दिन भर सोते रात को जागते हैं, ये भी बड़ों के वो बनेंगे गेमिंग स्ट्रीमर। तो ये जो सारे लोग आप देख रहे हैं ये सारे बैठे हुए लेजर शो के लिए। लेजर शो यहाँ पे चालू होगा, पैदा शुरू होने वाला है। चालू होगा। ओहो सो द लेजर शो जस्ट एंडेड। बहुत ही अमेजिंग लेजर शो था। सबसे अच्छी बात मुझे लगी और सबसे अच्छी और ख़राब बात दोनों लगी कि यहाँ पे जब लेजर शो एंड हुआ तो हम लोगों ने नेशनल एंथम से एंड किया, सब लोग खड़े हो रहे थे, मैं तो लिपसिंग भी कर रहा था। बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्कूल के बाद कॉलेज में कभी नेशनल एंथम ऐसे नहीं गाया। स्कूल में गाते थे, उसके बाद जब जॉब लग गई कुछ भी फंक्शन होता हम लोग कभी नहीं गाते, उसके बाद अब हमने गाया। बट नेशनल एंथम गाने से आपके देश में आपके दिल में देशभक्ति जागती है, ये तो है। वो मुझे लगता है कि थोड़ा बैंट्रिक होना चाहिए। बीच में बहुत है सिनेमा हाउस में करेंगे, लोगों ने बवाल कर दिया नहीं करेंगे, 2 मिनट से उनको दिक्कत होती है। बट मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है। मतलब यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको 2 दिन ओ डैम कितना अच्छा लग रहा है। ओह सही है। हाँ। ओहो सही डैम लगा रखा है भाई। ये रहा है वाटर एरोड्रोम, यहाँ पे सी प्लेन यहाँ पे लैंड करते हैं अपने। तो हम आ चुके हैं टेंट सिटी 1। ओ वाह सो दिस इज आवर ब्यूटीफुल शूज। तो ये है हमारा लवली, ये ऑलमोस्ट टेंट है, बड़े टेंट को परमानेंट टेंट भी कह सकते हैं आप। जैसा बिल्कुल मेरे को वैसी आ रही जैसे हम लोग राउंड ऑफ कच्छ में गए थे। दिस इज द रॉयल कॉटेज। ये है अपना ड्रेसिंग एरिया, ये है अपना नहाने का और बॉम्बिंग एरिया, और ये है अपना लवली बेड।
सो गाइस हमें पहुंचना तो यहाँ था शाम को 5:30 बजे, लेकिन बच चुका है 8:30 क्योंकि सी प्लेन कैंसिल हो गया, उसकी वजह से सब कुछ थोड़ा सा लेट चल रहा है। बहुत हेक्टिक दिन था बट मजेदार दिन था। ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस व्लॉग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल जाएंगे और ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करेंगे, नर्मदा जाएंगे, बहुत जगह जाएंगे और कल मिलेंगे। लेकिन वर्थ इट है अगर फैमिली है, बच्चे हैं तो यू मस्ट विजिट। फैमिली है बच्चे तो फिर लाइफ वर्थ इट है यार। फैमिली बच्चे तो लाइफ। भागो। ये लोग कितने बजे तक सोते हैं लोग? सर ये लोग पूरी रात खेलने वाले हैं। रोज का कार्यक्रम है? रोज का, हाँ सर, ऐसी फैमिलीज आ जाती है, रोज का कार्यक्रम हो जाता है। और पूरा गांव पकड़ पकड़ाई खेल रहा है? नहीं सर, ये अभी रिसेप्शन में भी आ गए थे पकड़ पकड़ाई खेलने आपके साथ। हाँ सर, आपको खिलाया उन्होंने? हाँ। क्या बात है।